एंड मैं रश्मि देसाई से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबर लिखकर आपके सामने पेश हुई हूँ। रश्मि देसाई एंड उमर रियाज के फैंस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा सैड न्यूज़ है, क्योंकि हमेशा ही फैंस इन दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं। लेकिन रश्मि देसाई ने अपने एक इंटरव्यू में जब उनसे बार बार उमर रश की जोड़ी के बारे में पूछा जाने लगा तो रश्मि देसाई ने कह दिया कि उमर हमेशा ही अपनी लाइफ को प्राइवेट रखता है, वो हमसे अपनी लाइफ के बारे में ना ही कुछ बताता है और ना ही कुछ हम पूछते हैं, तो मेरा नाम उनसे मत जोड़ा जाए और हम एक अच्छे दोस्त हैं जो अपना हमेशा ही रहेंगे। हम बहुत लड़ते हैं लेकिन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जिसके चलते हुए फैंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ उठे और कहीं ना कहीं उमर रियाज को रश्मि देसाई की ये बात पसंद नहीं आई। क्या उनको ये बात पसंद नहीं आई कि रश्मि देसाई ने उनकी कुछ पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ कह दिया है या कोई बड़ी बात हो गई है उनके बीच में, जिसके चलते हुए उमर रियाज एंड रश्मि देसाई एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर हर साइट से अब एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है और वो अब एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे। मीन्स उनके बीच की दोस्ती कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, जो कि वाकई में ही बैड न्यूज़ है, क्योंकि हम तो हमेशा ही उनको एक साथ देखना चाहते थे, भले ही कपल ना लेकिन अच्छे फ्रेंड की वजह से ही। लेकिन वो अब कुछ रीज़न की वजह से अलग होने लगे हैं। मुझे तो बहुत दुख हुआ, आई होप आपको भी बहुत दुख हुआ होगा। अगर आप भी उनको एक साथ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर जरूर बताइए और आपकी क्या राय है प्लीज़ मुझसे शेयर ज़रूर कीजिए। और ऐसे ही अपडेट के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर दीजिए। धन्यवाद।